हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सद्भो कुकिंग में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ भरवा शिमला मिर्च एकदम यूनिक तरीके से और साथ ही साथ चटनी और टमाटर के साथ। जानना चाहते हैं कैसे? आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई ले ली है जिसमें डाल दूंगी 1 चम्मच ऑयल, उसमें डाल दूंगी जीरा 1/2 स्पून, साथ ही साथ हरी मिर्च पाउडर। फ्रेंड्स, ये मैंने हरी मिर्च पाउडर है ना, इसका वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ लाल मिर्च पाउडर 1/2 स्पून, इधर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, साथ ही साथ हल्दी पाउडर 1/2 स्पून और 2 प्याज ले ली है छोटी, उन्हें बारीक बारीक काट लिया है। जैसे मैंने बोला भरवा शिमला मिर्च बना रही हूँ, पर एक अनोखी तरीके से। फ्रेंड्स, बहुत आसानी से बनेगी और बहुत टेस्टी लगेगी। साथ ही साथ 1 चम्मच डाल दूंगी धनिया पाउडर और 1 चम्मच सौंफ पाउडर। सौंफ मैंने दरदरी पीसी है और साथ ही साथ गरम मसाला 1/4 स्पून, नमक वैसे स्वाद अनुसार है लेकिन मैं इधर 1/2 स्पून डाल रही हूँ। अब इन सब मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फ्रेंड्स गैस का ध्यान रखिएगा और लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे टमाटर, मैंने 1 टमाटर लिया है जिसे काट लिया है। फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला हटके अपनी शिमला मिर्च बनेगी टमाटर और हरी धनिया की चटनी के साथ, खाएंगे खाते रह जाएंगे, पर फ्रेंड्स कोई झंझट भी नहीं है। फ्रेंड्स, इधर 250 ग्राम आलू ले ली है जिन्हें बॉईल कर लिया है। अब इन हाथों की सहायता से मोटा मोटा फोल लेंगे। अब फ्रेंड्स जो मसाला फ्राई कर रहे हैं उसमें डाल देंगे 1 चम्मच हरी धनिया की चटनी। फ्रेंड्स, हरी धनिया की चटनी मैं कैसे बनाती हूँ इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और ये मैंने चैनल पर डाली हुई है। और साथ ही साथ इसमें डाल दूंगी आलू जो अभी अभी फोड़े हैं। है ना एक यूनिक तरीका? और फ्रेंड्स, हरी धनिया की चटनी और साथ ही साथ टमाटर वाले शिमला मिर्च बहुत टेस्टी लगते हैं। एक बार खाएंगे बार बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे और फ्रेंड्स कोई झंझट भी नहीं है बनाने में। अब इसे लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई करना है और गैस का ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, इसे 2 से 3 मिनट लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं फ्राई करते हुए, देखिए अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसे निकालेंगे कढ़ाई में से और ठंडा करने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, इधर ले लिया 1/2 किलो शिमला मिर्च और इन्हें धोकर अच्छे से पोंछ के ले लिया है। अब इसे काट लेंगे। जब तक हमारी पिट्टी ठंडी हो रही है हमारी शिमला मिर्च भी कट जाएंगी। ये देखिए, वो ऊपर के चाकू की सहायता से जो गाट वाला हिस्सा होता है ना, उसे इस तरह से गोल गोल घुमाकर चाकू की सहायता से निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से पूरा जो ऊपर का हमने पोर्शन निकाल लिया है और इस तरह से मैंने शिमला मिर्च तैयार कर ली है। और इसी तरीके से बाकी शिमला मिर्च तैयार करेंगे। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। पहले चाकू की सहायता से इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए ऊपर का डाल का हिस्सा जो होता है ना, वो हटा लेना है, डंठल वाला हिस्सा। ये देखिए इस तरीके से, और साइड से चाकू की सहायता से पूरा काली कर लेंगे शिमला मिर्च को। फ्रेंड्स, इस तरीके से भर के देखिएगा शिमला मिर्च, गारंटी बोल रही हूँ कभी मसाला नहीं निकलेगा शिमला मिर्च में से और शिमला मिर्च भी बहुत टेस्टी लगेंगी। और ये देखिए कितने आसानी से आपकी शिमला मिर्च तैयार हो गई। अब इसी तरीके से बाकी शिमला मिर्च भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी शिमला मिर्च भरने के लिए हो गई है तैयार। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप शिमला मिर्च तैयार करेंगे ना, तो आपकी शिमला मिर्च में जो मसाला है ना बहुत अच्छे से भरेगा और साथ ही साथ कभी निकलेगा भी नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, मसाला भी ठंडा हो चुका है, शिमला मिर्च भी तैयार हो चुकी है। अब शिमला मिर्च भरना शुरू करते हैं। उंगलियों की सहायता से दबाए दबाए के भरते जाएंगे और फ्रेंड्स जैसे मैंने बोला था, ये शिमला मिर्च से मसाला नहीं भागेगा। और जिस तरीके से मैं बना रही हूँ एकदम यूनिक और बहुत नया तरीका है और साथ ही साथ कारगर तरीका है। इसी तरीके से आप बनाएंगे बहुत मिनटों में कुछ और बहुत आसानी से हेल्दी आपकी शिमला मिर्च तैयार हो जाएंगी। किस तरह से हेल्दी होंगी आपको आगे पता चलेगा। ये देखिए, उंगली से दबाते हुए इस तरह से मसाला भर दिया है और इसी तरीके से सभी मिश्र शिमला मिर्चों में मसाला भर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी शिमला मिर्च हो गई है अच्छे से स्टफ। पर ये शिमला मिर्च हम कढ़ाई में नहीं बनाएंगे, किसमें बनाएंगे और किस तरीके से बनाएंगे, जैसे 1 मिनट में ही हमारी सभी शिमला मिर्च हो जाएंगी तैयार। जानने के लिए आगे स्टेप को ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला शिमला मिर्च मैं कढ़ाई में नहीं बना रही हूँ, मैं बनाऊंगी कुकर में। हो गए ना हैरान? कुकर लेंगे, उसमें डाल दूंगी 1 चम्मच ऑयल। सिर्फ 1 चम्मच ऑयल से हमारी भरवा शिमला मिर्च हो जाएंगी तैयार। मैंने बोला था ना हेल्दी है, और भरवा शिमला मिर्च में या फिर कोई भी भरवा सब्जी लेते हैं हम लोग को लगता है कि कितना सारा ऑयल होता है, लेकिन आप इस तरीके से बनाइएगा आपकी देखिए शिमला मिर्च में से मसाला भी नहीं निकलेगा, अच्छे से चारों तरफ से एक बार में हो जाएंगी, 1 मिनट में हो जाएगी और साथ ही साथ 1 चम्मच ऑयल में भी हो जाएंगी। है ना बहुत सारा एक। अब फ्रेंड्स शिमला मिर्च रख दी है, थोड़ा सा ऑयल ऊपर डाल देंगे और पूरे में मैंने डाला है 1 स्पून ऑयल
और फिर कुकर लगा के एक सीटी ले लेंगे। फ्रेंड्स, कुकर में एक सीटी आ चुकी है। अभी मैं आपके सामने ही खोलूंगी कि हमारी शिमला मिर्च कैसी हुई है। देखिए कुकर खुल रहा है और ये देखिए शिमला मिर्च, जैसे मैंने बोला था ना, मसाला बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। और ये देखिए, और एक चम्मच ऑयल में ही हो जाएगा। और चारों तरफ से अच्छे से शिमला मिर्च हो चुकी है, बार बार पलटने का भी झंझट नहीं है। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कहीं से भी कोई भी मसाला नहीं निकला है, चारों तरफ से बराबर हुई है। ये देख सकते हैं कढ़ाई में भी इतनी अच्छी से नहीं होती होगी जितनी अच्छी कुकर में हो गई है। और जो ऑयल है, सिर्फ एक चम्मच ऑयल इस्तेमाल हुआ है। फ्रेंड्स, ऐसी टेस्टी रेसिपीज बनाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। और फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए आपका अनुभव कैसा रहा हमारी रेसिपीज के साथ।